कोरोना से जहां पूरे देश में इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है और ग्रामीण इलाकों में लोगों को सब्जी लाने के लिए बाजार जाने में काफी समस्याएं उठानी पड़ रही हैं, वहीं ग्रामीण लोग अपनी लोकल सब्जियों का घर में ही अब लुत्फ उठा रहे हैं। इन्हीं में से एक है कचनार। जिला बिलासपुर के कुछ स्थानों में स्थानीय लोग इसे करौली कह के भी पुकारते हैं, जो हिमाचल में निचले क्षेत्र में अधिकतर जगहों पर पाई जाती है। मध्य मार्च के बाद फूलों से लदने वाले इन पेड़ों की पत्तियां, तना और फूल आदि सभी उपयोग में लिए जाते हैं। कचनार की गणना सुंदर व उपयोगी वृक्षों में होती है। इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से गुलाबी कचनार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कचनार के फूलों की लंबी लंबी कलियां हरी और गुलाबी रंगत के लिए जानी जाती हैं। आयुर्वेद में इस वृक्ष को चमत्कारी और औषधिक गुणों से भरपूर बताया गया है। कचनार के फूल और कलियां वात रोग, जोड़ों के दर्द के लिए विशेष लाभकारी हैं। इसकी कलियों की सब्जियां व फूलों का रायता बनाने में स्वादिष्ट और रक्तपित्त फोड़े फिंसियों को शांत करता है। आपको बता दें कि कचनार का फूल जितना खूबसूरत होता है उतना ही सेहत के लिए लाभकारी भी होता है। ये कच अनार है, इसकी सब्जी बनाई जाती है। जैसे कि आजकल कर्फ्यू के दौरान गांव में यहाँ पे सब्जी की सप्लाई तो आती नहीं है। हमारे नज़दीक कोई दुकान भी नहीं है, मार्केट में हम जा नहीं पाते हैं, दूर है, पैदल जाना पड़ता है क्योंकि बसेस भी नहीं है और खुद की गाड़ी में भी नहीं जा सकते हैं। तो आजकल गाँव के लोग जो है जो इस तरह की जो घरेलू सब्जियाँ हैं उनको बना रहे हैं खाने के लिए। अच्छा, जैसे कि कोरोना महामारी देश में फैली है, हाँ तो जी, आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि लोग जो है घरों में रहे, बिना वजह सड़कों पे ना निकले, कर्फ्यू का पालन करें। प्रशासन ने जो भी नियम बनाए हैं उनका पालन करें, उनको तोड़े ना, क्योंकि जितनी जल्दी हम जितना ध्यान से हम उसका पालन करेंगे उतनी जल्दी ये ठीक होगा। अगर हम प्रशासन के नियमों को तोड़ेंगे तो हो सकता है कि बीमारी और ज़्यादा फैले और इसका मतलब देश के विकास पर असर पड़े।